ओके बहुत मैं देखिए, आज है 22nd ऑफ अगस्त और आज के दिन के लिए यहाँ पर Xiaomi ने पोको F1 के लॉन्च की डेट को सेट किया था और आज जो है ये फोन लॉन्च भी हो चुका है। और ये जो फोन लॉन्च हुआ है ना यार, इसकी स्पेसिफिकेशन के साथ जो प्राइसिंग इन्होंने अनवील्ड की उसके बाद तो मतलब मजा सा आ गया। ऐसा लगा मतलब यही फोन है, बाकी कोई है ही नहीं, क्योंकि ये जो फोन है जिस प्राइसिंग पे और जिस स्पेसिफिकेशन के साथ आपको मिलता है ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा धुएंदार है। और ये ऑब्वियसली यार मार्केट जो है उसमें धुआं करने वाला है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं इस फोन के साथ कंपैरिजन देने वाला हूँ ऑनर प्ले का, क्योंकि ये जो फोन है वो भी आपको 20,000 में मिल जाता है देखने को, और जो बेस वेरिएंट अपने पोको F1 का वो आपको 21,000 में देखने को मिलता है। और जो है ये फोन, दोनों ही फोन जो है फ्लैगशिप वाले प्रोसेसर को आपको देते हैं और बजट में देते हैं, तो डेफिनेटली इन दोनों फोन का कंपैरिजन बनता है ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड है तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। मेरा नाम है भानु प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी। तो देखिए बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर ऑनर प्ले जो है वो आपको फुल मेटल यूनिबॉडी डिजाइन के साथ मिलता है, एल्युमिनियम वाला, और आपको ऊपर एंटीना लाइंस देखने को मिलेंगी। वहीं अगर हम बात करें पोको F1 की तो वो आपको है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ देखने को मिलता है, जिसका एक स्पेशल एडिशन भी है जिसका जो स्पेशल एडिशन का नाम है आर्मर्ड एडिशन जिसे आप कहते हैं। और ये जो है एक खास तरीके के मटेरियल से बना है, जिसे मटेरियल का नाम है केवलर एरामिड फाइबर। और ये जो फाइबर है ना यार, ये एक्चुअली में Xiaomi ने बताया कि ये फाइबर स्पेस सूट्स और जो आपके बुलेट प्रूफ वेस्ट्स होती हैं उनमें यूज होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका पोको F1 भी बुलेट प्रूफ होगा, मटेरियल सेम है बस। बाकी बात करें कलर वेरिएंट की तो यहाँ पर ऑनर प्ले जो है वो आपको दो कलर वेरिएंट में देखने को मिलता है, नेवी ब्लू और ग्रेफाइट ब्लैक। वहीं अगर हम बात करें पोको F1 की तो ये आपको तीन कलर वेरिएंट्स में देखने को मिलता है, जिसमें से पहला जो है वो है ग्रेफाइट ब्लैक, स्टील ब्लू और रोजो रेड। तो रेड वाला जो एडिशन है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है। और यहाँ एक चौथा वेरिएंट भी आप कह सकते हैं जो कि वही है आर्मर्ड एडिशन, जो कि आपको एक केवलर वाली मटेरियल के साथ देखने को मिलता है, तो वो मतलब एक अच्छी बात है। साथ ही साथ हम डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.3 इंच की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले आपको ऑनर प्ले में देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर पोको F1 की तो वहाँ आपको 6.18 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। दोनों में नॉच है, हालांकि ये जो नॉच है उसमें एक ऑनर प्ले की अगर हम बात करें तो नॉच में आपको इंफ्रारेड सेंसर नहीं मिलता है, जैसे कि आप रात में अपने फेस अनलॉकिंग को यूज़ कर पाएं। हालांकि ये फीचर आपको पोको F1 में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर इंफ्रारेड सेंसर से आप जो है रात में भी लो लाइट में बिल्कुल अंधेरे में भी अपने फेस को अनलॉक कर पाएंगे अपने फोन को, तो ये बहुत अच्छी बात है। दोनों फोन के रैम रोम प्रोसेसर की बात करें, साथ ही साथ प्राइसिंग की भी इसी में बात कर लें, तो यहाँ पर देखिए जो ऑनर प्ले है वो आपको दो वेरियंट्स में देखने को मिलता है, 4GB 64GB और 6GB 64GB वाले स्टोरेज के साथ, और इनकी रेस्पेक्टिवली प्राइसिंग है 20,000 और 24,000 रुपये। और वहीं इन दोनों इनके साथ साथ अगर कंपेयर करें हम अपने पोको F1 को, तो यहाँ पर जो है पोको F1 आपको चार वेरिएंट्स आप कह सकते हैं, नहीं तीन वेरिएंट्स मान लीजिए, तीन वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलता है। जैसे पहला बेस वेरिएंट है वो है 6GB रैम और 64GB स्टोरेज का, सेकंड वाला वर्जन है वो है 6GB रैम 128GB स्टोरेज का, और जो थर्ड वर्जन है वो है 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज का। और इनकी प्राइसिंग रिस्पेक्टिवली है 21,000, 24,000 और 29,000। वहीं जो आपका आर्मर्ड एडिशन वाला जो फ़ोन है वो भी आपको 8GB रैम और 256GB वाले इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलता है, और इसकी प्राइसिंग है 30,000 रुपीज़, आप एक रुपया कम मान ली, 29,999 प्राइसिंग है, एक रुपये की टॉफी खा लेना। और मतलब बस ये इनकी प्राइसिंग है। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर जो आपका ऑनर प्ले है उसमें आपको Huawei का खुद का हाई सिलिकॉन किरन 970 प्रोसेसर देखने को मिलता है, और जो उसमें GPU टर्बो वाली आपको फैसिलिटी देखने को मिलती है, जो कि बहुत सही चीज़ है, आपको गेमिंग एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा है। आपको पहले ही पता है ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तो कितने ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। यहाँ पे GPU टर्बो है उसके लिए पबजी जो है वो हो चुका ऑप्टिमाइज, लेकिन Asphalt 9 फिलहाल ऑप्टिमाइज नहीं है। वहीं अगर हम बात करें अपने पोको F1 की तो यहाँ पर पोको F1 आपको Qualcomm के Snapdragon 845 प्रोसेसर के साथ देखने को मिलता है, जो कि आपको मतलब बड़े से बड़ा अगर कोई फ्लैगशिप महंगे से महंगा बनाएगा तो उसमें इससे ऊपर कोई प्रोसेसर दे नहीं सकता, क्योंकि आपका सबसे बेस्ट जो मोबाइल प्रोसेसर में से टॉप वेरिएंट है वो यही है। और इसके साथ आपको एड्रिनो का 630GB देखने को मिलता है, नोट 9 में भी आपको ये प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है। और मैं आपको बताऊँ यहाँ कंपेरिजन सीधे सीधा अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो 970 जो किरण का है वो अच्छा है, लेकिन उतना कंपेटिटिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू द स्नैपड्रैगन 845। तो यहाँ पर 845 जो है वो बहुत ज़्यादा सही परफॉर्मेंस आपको देगा इन कंपेरिजन टू किरण 970।
और ये दोनों ही फोन में जो रैम है वो यूज की गई LPDDR4X वाली, और जो इंटरनल स्टोरेज है वो आपको UFS 2.1 वाली देखने को मिलती है। EMMC स्टोरेज यहाँ पर नहीं यूज की है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है ये, क्योंकि यहाँ पर EMMC स्टोरेज जो है वो थोड़ी डाउन पुरानी आप कह सकते हैं, इसे अपग्रेडेड वर्जन UFS 2.1 जो थोड़ी बेटर होती है। दोनों फोन की बैटरी को कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर, तो बैटरी में यहाँ पर ऑनर प्ले जो है वो आपको मिलता है 3750 mAh की बैटरी के साथ, जिसमें कि आपको युवावे के खुद की कोई फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, और जो फोन है वो चार्ज हो जाता है 2 घंटे में पूरा। 3750 mAh की बैटरी आपको 2 घंटे में चार्ज होकर मिल जाती है, और जो चार्जिंग के लिए पोर्ट आपको मिलता है वो USB टाइप सी पोर्ट है। और वहीं हम बात करें Poco F1 की, तो Poco F1 में आपको मैसिव 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि आपको Qualcomm का FixCharge 3.0 सपोर्ट करती है, और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करने वाली, क्योंकि 4000 mAh की बैटरी आप Note 5 Pro में यूज़ कर चुके होंगे, या नहीं करी होगी तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है ये 4000 mAh की बैटरी के साथ। और USB टाइप सी पोर्ट आपको इस फोन में भी देखने को मिलता है, और USB टाइप सी के साथ साथ यहाँ पर 3.5mm का ऑडियो जैक दोनों ही फोन्स में आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन बात है। तो अब आते हैं दोनों फोन्स की कैमरास की तरफ, तो यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनर प्ले की, तो यहाँ पर जो है आपको रियर में डुअल वर्टिकल वाला कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जैसे मेन जो कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का, जिसका f/2.2 एपर्चर है, वहीं 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग वाला कैमरा भी देखने को मिलता है, जिसका एपर्चर है f/2.4। ये फोन जो है आपको रियर कैमरा से 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, और 1080p तक की रिकॉर्डिंग आप फ्रंट कैमरा से इसमें कर सकते हैं। वहीं इस फोन का जो फ्रंट कैमरा की हम बात करें तो वो 16 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलता है, तो बहुत ज़्यादा सही बात है यहाँ पर। और जो Poco F1 है वो आपको मिलता है रियर में डुअल कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें से प्राइमरी कैमरा वो है 12 मेगापिक्सल का, सोनी का IMX363 वाला आपको सेंसर इसमें देखने को मिलता है, जिसका माइक्रोन पिक्सल साइज वो है 1.4 माइक्रोन पिक्सल्स का, क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज होता है। और जो सेकेंडरी कैमरा है वो है आपका 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग वाला, जो कि बहुत ज़्यादा सही तरीके से काम करने वाला है। और जो फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर 4K की वीडियो रिकॉर्ड आप कर सकते हैं रियर से, और 1080p तक की रिकॉर्डिंग आप फ्रंट कैमरा से कर सकते हैं। और Poco F1 में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी वाला कैमरा भी देखने को मिलता है। दोनों फोन में AI इंप्लीमेंटेड है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले बता रहा हूँ ऑनर प्ले जो है वो आपको इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा नहीं मतलब अभी फिलहाल के लिए ना कैमरा परफॉर्मेंस उसकी इतनी ज़्यादा या अच्छी है ही नहीं, मैं ये कहूँगा। वहीं अगर हम बात करें Poco F1 की, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो Xiaomi का कैमरा है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धमाल करता है, बहुत ज़्यादा सही वाला कैमरा आपको इसमें देखने को मिलेगा। और मैं डेफिनेटली ये कहूँगी यहाँ पर जो ऑनर प्ले से बहुत ज़्यादा अच्छा कैमरा इसमें आपको देखने को मिलने वाला है Poco F1। बात करें दोनों फोन्स के सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पर जो दोनों फोन है वो एंड्रॉइड ओरियो पे रन करते हैं, यहाँ पर कस्टम UI का थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर जो ऑनर प्ले है वो आपको उसके खुद के UI इमोशन UI EMUI 2.0 पे देखने को मिलता है। वहीं Poco F1 जो है वो नई तरीके के MIUI पे रन करता है, यहाँ पर Xiaomi ने कहा कि MIUI जो है Poco फोन के लिए अलग बनाया उन्होंने, तो यहाँ पर MIUI फॉर Poco नाम से इन्होंने नाम बताया उसका, जिसमें कि आपको सरप्राइजिंगली एक ऐप ड्रॉर देखने को मिलता है, जो कि आपको स्टॉक एंड्रॉइड में देखने को मिलता है ऐप ड्रॉर, और सैमसंग के UI एक्सपीरियंस UI में देखने को मिलता है ऐप ड्रॉर, बाकी कहीं भी किसी भी कस्टम UI में देखने को नहीं मिलता है। हालांकि इसमें आपको ऐप ड्रॉर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। तो फ्रेंड्स ये तो था इन दोनों फोन्स का स्पेसिफिकेशन बेस्ड एक कंपेरिजन, जो कि बहुत ज़्यादा सही तरीके से आप इससे डिसाइड कर पाएंगे, शायद आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑब्वियसली फोन आज ही लॉन्च हुआ है और स्पेसिफिकेशंस हम सब तक पहुंच चुके, तो यहाँ पर डेफिनेटली इन दोनों फोन का कंपैरिजन बनता है, क्योंकि यहाँ पर सेम प्राइस सेगमेंट पे आपको देखने को मिलता है। ऑब्वियसली एक्चुअली कंपैरिजन किया जाना है तो दोनों फोन के 6GB रैम वाले वेरियंट्स का कंपैरिजन करना चाहिए, और जो Poco F1 का 6GB रैम वाला वेरियंट है वो बेस वेरियंट 6GB रैम 64GB स्टोरेज वाला वेरियंट वो आपको 21,000 में मिलता है। वही अगर हम बात करें ऑनर प्ले का 6GB रैम वाला वेरिएंट तो वो आपको 24,000 का पड़ता है, तो यहाँ पर कंपैरिजन में सीधे सीधे जो Poco F1 है वो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करा रहा है। ऑनर प्ले जब लॉन्च हुआ था तो हम सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी से ज़्यादा क्या देगा, तो यहाँ पर Xiaomi हमें बता दिया कि क्या दे सकते हैं हम और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स की रेंज में। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, मैंने कहीं में जाएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, से चैनल सब्सक्राइब होगा, साथ ही प्रॉब्लम मिलेगी पहले एडवांस होगा, जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे, और मैं भी किया करेंगे मैं आपके लिए इस तरीके इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। और आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।